राधार सुंदर सा जी, प्रीतम अक्षरातीत पल पल हमारे साथ हैं, पहले भी थे और अनंत काल तक रहेंगे। साथ रहने की बात इस नश्वर जगत में कही जा रही है, क्योंकि इस माया के संसार में जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। कभी हम अपने को बाल्यावस्था में अनुभव करते हैं, कभी युवावस्था में, कभी बुढ़ापे में। एक सामान्य मानव ये सोचता है कि बुढ़ापे में मेरी लाठी कौन बनेगा। वो असहाय होकर अपनी संतान की तरफ देखता है कि जिस संतान को हमने पाला पोसा है वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और मेरी मृत्यु के बाद मेरी अर्थी में कंधा लगाएगा। क्योंकि यदि मनुष्य अकेले सब कुछ करना चाहे तो कर नहीं सकता, उसे समाज की अपेक्षा होती है किसी न किसी रूप में। किंतु एक सीमा होती है जब समाज भी हाथ खड़े कर देता है कि इसके आगे हम नहीं कर सकते। हमारे संगे संबंधी कुछ सीमा तक ही हमारा साथ दे सकते हैं, चाहे हमारी पत्नी हो, हमारा पति हो, भाई बंधु हो। हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को करते हैं, सभी अपनी मर्यादा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन एक आस बनी रहती है कि हमारा यह है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो या भाई बंधु। किंतु होता क्या है, उम्र पूरी करने के पश्चात हमारा जीव इस पिंजरे को छोड़ देता है और पुनः किसी अन्य यात्रा में चल पड़ता है। अन्य यात्रा का तात्पर्य, यदि इसके रहते रहते, इस तन के रहते रहते उसने अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय में बसा लिया होता है तो अनंत सुख का रसभागी होता है। यदि ऐसा नहीं कर पाया है, कुछ अधिक पुण्य किया है, तो मानव तन में अच्छे संस्कारित परिवार में पुनः जन्म लेता है। यदि उसके पाप कर्म बहुत बुरे हैं तो पशु पक्षियों की योनि में वो भटकने के लिए विवश हो जाता है। ऐसा इस सृष्टि का विधान है। परम धाम की आत्माएं इस जीव पर बैठकर माया के खेल को देख रही है। स्वयं प्रियतम अक्षरातीत उनके लिए परम धाम की वाणी लेकर आए हैं और उनके तन से क्या अपराध हो रहे हैं यह न देखते हुए इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान, क्योंकि वो मेहर का अनंत दरिया है, अनंत सागर है। हर बार कह रहे हैं, मैं तुम्हारे प्राण नली से भी निकट हूं। परमधाम की आत्माओं और अक्षरातीत की बात तो छोड़ा जाए। जिस आदि नारायण को हम छल पुरुष कहते हैं कि सभी जीवों के हृदय में उन्हीं का वास है, तो प्रश्न ये भी है, कहीं ना कहीं दया की भावना, करुणा की भावना तो उस नारायण के अंदर भी है। एक सामान्य दृष्टि से हम सोचें, पौराणिक कथा है कि ग्रास से मुक्ति के लिए गजराज ने जब भगवान विष्णु को पुकारा तो भगवान विष्णु अपने वाहन गरुण को भी भूल बैठे और नंगे पांव आकर के उसकी रक्षा की। अब सोचिए, ये पौराणिक कहानी हमें क्या सिखाती है कि भगवान हर पल हमारे साथ है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गार्गी, या आत्मन तिष्ठति अंतरो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, किंतु इस आत्मा ने जिस तन को धारण किया वह आत्मा स्वयं को नहीं जानती कि मेरे अंदर सर्वशक्तिमान परमात्मा रहता है और यह सारा जगत तो उसी के सृष्टि का ही, उसी का ही विलास है। सारी सृष्टि उसी की लीला का विलास है। यदि हम धर्म ग्रंथों के आधार पर भी देखा जाए तो संसार का हर मनुष्य यह जानता है कि मेरी अंतरात्मा के रूप में मेरा प्रीतम विद्यमान है, और इसलिए जिसने इस सत्य को जान लिया वो दृष्टा भाव से सब कुछ करता है। वो स्वप्न में भी पाप करने से डरता है। वो सोचता है कि जो मेरी अंतरात्मा में विद्यमान है वो सहन नहीं कर सकता कि मैं पाप करूं,
लेकिन जिन्होंने परमात्मा को केवल एक मंदिर विशेष में मान लिया, मूर्तियों के अंदर मान लिया, वो मंदिर के बाहर पाप करने में डरते नहीं है। वो सोचते हैं कि परमात्मा तो मंदिर में बसता है। परम धाम की आत्माओं के लिए यही परीक्षा की घड़ी है कि वे अपनी अंतरात्मा के रूप में अपने प्राण ईश्वर की पहचान करती हैं कि नहीं, उनकी दया का, उनकी कृपा का, उनके प्रेम का अनुभव उन्हें हो पाता है कि नहीं। यह प्रकरण ही कलश पंच रोशनी का है, महामती जी के धाम हृदय में। परम धाम के पांचों स्वरूप, राज्य का आवेश स्वरूप श्यामा जी की आत्मा, अक्षर की आत्मा और जब्राइल तथा इस्राफील, जागृत बुद्धि और धनी का जोश, धनी का जोश और जागृत बुद्धि का निवास कहीं देखा जाए तो सत्स्वरूप निश्चित होता है। अक्षय ब्रह्म परम धाम में है किंतु उनकी जागृत बुद्धि की लीला बेहद मंडल में होती है, जहां बुद्ध मूल वतन का तात्पर्य दोनों से है, जागृत बुद्धि से भी है और निज बुद्धि से भी है। जागृत बुद्धि सत्य को जान सकती है, सत्य को प्राप्त नहीं करा सकती पूर्ण रूप से। सत्य की प्राप्ति कराने के लिए परम धाम की निज बुद्धि चाहिए। निज बुद्ध आवे अज्ञाए तोलो न छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में सो बुद्ध बिना बल न होए। कहा है कि निज बुद्ध आवे अज्ञाए, धनी के आदेश से किसी भी आत्मा को निज बुद्धि प्राप्त होती है। निज बुद्धि का तात्पर्य क्या है? इश्कमयी बुद्धि, प्रेममयी बुद्धि। अक्षर ब्रह्म के पास सत्य को जानने वाली बुद्धि है किंतु प्रेममयी बुद्धि नहीं है। बुद्धि ही तो विवेचना करती है और बुद्धि के द्वारा ही हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। बुद्धि में जो विवेचना आती है वो मन के अंदर उसका प्रतिबिंब पड़ता है और मन के संकल्प विकल्पों से ही कोई कार्य होता है। इस प्रकार निज बुद्धि और जागृत बुद्धि दोनों को एक करके बुद्ध मूल वतन कहा गया है। हम यह सोच सकते हैं कि आखिर दोनों बुद्धियों के लिए बुद्ध मूल वतन का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यह परम धाम की ब्रह्मवाणी राज्य के आवेश से ही कही गई है, किंतु इसका प्रस्तुतिकरण अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग स्थितियों में किया गया है। जैसे कहने वाले तो राज्य हैं, महामती जी की आत्मा के धाम हृदय में जब निज बुद्धि की प्रत्यक्ष लीला होती है तो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित होती है। स्पष्ट कह दिया है कि मेरी संगति ऐसे सुधीरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर तारतम्य सब शुद्ध परी लीला अंदर की घर। अब यहां प्रश्न यह होता है कि मेरी संगति ऐसे सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, अक्षर प्रेम की बुद्धि बड़ी हुई है। ऐसे क्या है कि जागृत बुद्धि जो अक्षर ब्रह्म की है उसने अक्षरतीत के चरण कमलों का आश्रय लेकर खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार का ज्ञान प्राप्त किया। इस संसार के दृष्टांत से हम समझें तो हमारा जीव चैतन्य है और वो बुद्धि के बिना कैसे कार्य करेगा, मन के बिना कैसे कार्य करेगा, क्योंकि वह मूल रूप में तो दृष्टा है। मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, जिसको हृदय कहते हैं या दिल कहते हैं। दिल के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। संकल्प विकल्प चिंतन मनन विवेचन ये सब अंतःकरण का कार्य है। इसी प्रकार राज्य का आवेश ही वाणी को कह रहा है, किंतु महामती जी के धाम हृदय में जब उस आवेशित ज्ञान को आत्मसात करके व्यक्त करने की जब लीला होगी तो वहां निज बुद्धि या जागृत बुद्धि का प्रयोग होता है। इसलिए महामती जी के धाम हृदय में परम धाम की जब निज बुद्धि की लीला प्रकट होती है तब खिलवत की वाणी उतरती है, सागर श्रृंगार परिक्रमा की वाणी उतरती है और इसके साथ ही मारिफत सागर का भी ज्ञान उतरता है। किंतु रास प्रकाश कटुति कलश को
जागृत बुद्धि के ज्ञान के द्वारा दर्शाया गया है। ऐसा नहीं है कि राज्य के आवेश को निज बुद्धि या जागृत बुद्धि की सहायता की जरूरत है, क्योंकि आवेश तो पूर्ण है, उन्हीं से सब कुछ है। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। राज्य का जहाँ आवेश होगा, वहाँ चाहे जागृत बुद्धि हो, चाहे निज बुद्धि हो, चाहे अक्षर की आत्मा हो, सब कुछ तो उन्हीं की सानिध्यता में है। मूल स्वरूप श्री राज्य से ही सब हैं, चाहे श्यामा जी हो, सखियाँ हो, अक्षर ब्रह्म हो, महालक्ष्मी हो, चाहे जोश हो या जागृत बुद्धि हो। किंतु लीला रूप में हम इन तथ्यों को समझते हैं। अब महामती जी के धाम हृदय से यह प्रकरण अवतरित हुआ है ताकि हमारे हृदय में उस ज्ञान का उजागर का जो कलश है यह प्रकरण खिलवत का है। कलश जैसे किसी मंदिर के ऊपर कलश होता है, किसी राजा के सिर पर मुकुट होता है, वैसे इस प्रकरण को जिसने समझ लिया उसने अपनी अंतर्दृष्टि खोल ली। इस प्रकरण की पहली चौपाई में कहा है, रे रूह करे ना कछ अपनी, केतु उर्ची उम्मत माए। महामती जी ने अपनी आत्मा को संबोधित करके लिए कहा है, किंतु सिखापन है सबके लिए कि छठे दिन की इस लीला में हर सुंदर साथ विचार करे कि रे मेरी आत्मा, तू अपने लिए कुछ कर। केतु उर्ची उम्मत माए, तू जागने के नाम पर किसी ब्रह्म सृष्टि में उलझी रहेगी, इसका से क्या है। इस चरण में सिखापन दी गई है, बहुत बड़ी। कोई व्यक्ति सेवा का व्रत लेता है तो दिन रात उसी में ही लगा रहता है। कोई ज्ञान के प्रचार का व्रत लेता है तो दिन में उसी में लगा रहता है। कोई धन की सेवा का व्रत लेता है, धन कमाने में ही लगा रहता है, और जिसके लिए सेवा की जा रही है उसी से पीठ मोड़ दी जा रही है। तो ये तो सबसे बड़ी भ्रांति है। इसको एक दृष्टांत से समझिए। घर में थका मादा पति आता है, पत्नी जानती है कि पति आता है तो उसको अच्छी तरह से खिलाना पिलाना है, बहुत अच्छे व्यंजन बनाती है। पति की तरफ वो देखती भी नहीं, व्यंजनों का थाल रख करके चुपचाप कमरे में बैठ जाती है। वो सोचती है कि नहीं, मेरा काम केवल 56 प्रकार के व्यंजन खिलाना है, मेरा उद्देश्य पति से बात करना नहीं, उससे प्रेम के दो शब्द सुनाना मेरा काम नहीं है। तो परिणाम क्या होगा, क्या दोनों में मधुर संबंध रह पाएंगे, वह स्थिति है। भोजन कराने की अपनी महत्ता है, सेवा की अपनी महत्ता है, किंतु जिसकी सेवा की जा रही है, जिसको भोजन कराया जा रहा है, उससे प्रेम का संबंध पहले है। यही तथ्य हमें करना होगा। हम अक्षरातीत की महिमा को दर्शाने के लिए, संसार में फैलाने के लिए, सबके हृदय में ब्रह्मवाणी की गूंज कराने के लिए ज्ञान को ग्रहण करें और इस ज्ञान को फैलाएं, अपना पल पल इसके लिए लगा दें। किंतु हमें इसके पहले यह भी देखना होगा कि जिसकी ब्रह्मवाणी को हम फैला रहे हैं, अधिक नहीं, 2 घंटे नहीं, 1 घंटे नहीं, आधे घंटे भी नहीं, तो 15 मिनट भी तो अपना हृदय उसके लिए दे दें कि केवल तुम ही मेरे सर्वस्व हो, और उसके प्रेम में आंसू की 2 बूंद गिर जाए तो सब कुछ ठीक है। किंतु यदि हम उसको हृदय में भी नहीं बसाना चाहते, केवल शब्द ज्ञान ग्रहण करके दूसरों को सुनाते फिरते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है। हमारा हृदय सूना हो जाएगा, और सूने हृदय में अध्यात्म का रस नहीं फूट सकता। उमर गई गुण सिफत में, तो ही अचो इसका आना है, मेरी आत्मा या तो देख, तेरी उम्र पल पल बीती जा रही है अक्षातीत की महिमा गाने में, और तू इसी को समझी बैठी है कि मैं जान सुना सुना करके सबकी आत्मा को जागृत कर दूं। तू अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, तेरा भी तो अधिकार है। तू दूसरों को वाणी सुनाती है, दूसरों को कहती है कि परमधाम की चितवनी करो, और तू स्वयं चितवनी नहीं कर रही है, तो ये अजू इसका आना है, तुम्हारे अंदर तो अब तक प्रेम नहीं आ पाया है। अब सोचिए ये क्या कहा जा रहा है।
आज हमारा समाज शिक्षा की दृष्टि बहुत पिछड़ा है। दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में 50 तो क्या 20 भी आचार्य नहीं है। 20 कहूं तो अधिक लगता है, 10 भी ऊंचे स्तर के हमारे समाज में प्रवक्ता नहीं है, जबकि वेद के अनुयायियों ने आर्य समाज ने कम से कम 5,000 आचार्यों का निर्माण किया है। आप सोचिए, हम तो ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत पीछे हैं, किंतु जो थोड़ा बहुत हमने वाणी का वेद का ज्ञान ग्रहण भी किया है तो उसी को कहने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हमारे हृदय में प्रेम लक्षण भक्ति का कुछ रस तो आए। हम अपने जीवन के कुछ पलों को तो संसार से हटाकर, अपने शिष्यों की मंडली से हटाकर कुछ प्रीतम के प्रेम में समर्पित कर सकें। इसी को कहा है, उम्र गई गुण सिफत में तो है अजु इसका आना है। मेरी आत्मा, अब तक तुम्हारे अंदर प्रीतम का प्रेम क्यों नहीं आ पाया? तो शब्द ज्ञान सुनाकर संसार में केवल प्रतिष्ठा पाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य ले बैठी है। जब कुछ सुंदर सा तेरी महिमा गाते हैं तो तू फूल कर कुप्पा हो जाती है, ये नहीं सोचती कि मैं प्रीतम के प्रेम से विमुख हो रही हूं। दूसरी चौपाई में जो बात कही गई है, इस प्रकरण का एक एक चौपाई प्रकरण की प्रत्येक चौपाई इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि हमने अपने हृदय में उनको बसा लिया तो हमारी स्थिति कुछ दूसरी ही हो जाएगी। आगे कहते हैं, हक सिर पर इन वेद खड़े, हक सिर पर इन वेद खड़े। मेरी आत्मा देख, तेरा प्राण वल्लभ तुम्हारे सिर पर इस प्रकार खड़ा है, ये अलंकारिक वर्णन है। जैसे हम इसको एक लौकिक दृष्टांत से समझ सकते हैं, एक प्रेमी युगल कहीं वन में जा रहा है, चारों तरफ से सिंहों की आवाज गर्जना की सुनाई पड़ रही है, भयंकर भालू दिखाई दे रहे हैं, विषैले सर्प दिखाई दे रहे हैं। यदि पत्नी डरती है तो पति क्या कहता है, चिंता क्यों करती है, मैं तो तेरे साथ हूं। यदि उसका पति न हो तो इस सिंह की एक गर्जना से ही पत्नी के प्राण जा सकते हैं, वो बेहोश हो सकती है। लेकिन यदि उसका पति अस्त्र शस्त्रों में निपुण है, युद्ध में पारंगत है, तो उसको विश्वास है कि मेरे साथ जो मेरा पति चल रहा है, भयानक से भयानक नागराज को, भयानक से भयानक वनराज को, गजराज को, किसी को भी मार सकता है, और वो मुस्कुराते हुए अपने पति के साथ चलती रहती है। हमें विश्वास नहीं होता संसार में कि हर पल हमारे साथ अक्षरातीत है। देखिए, जब धन की कमी आ जाती है तो हम निराश होकर बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। आप नारायण की लीला को देखिए, बच्चे के जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध भेज देता है नारायण, जिसको हम कहते हैं कि वह अक्षर के मन के स्वाप्निक स्वरूप है, और उसके परे अक्षर हैं और अक्षर के परे अक्षरातीत हैं, जहां की प्रेमय लीला का रसपान करने का अधिकार अक्षर को भी नहीं है। उस अक्षर ब्रह्म को जिनके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं, कहने को तो हम कह देते हैं। किंतु यदि एक संसार का पति अपनी पत्नी को भयानक वन में अकेले नहीं छोड़ सकता, इस सृष्टि का कर्ता दत्ता नारायण संसार के हर प्राणी के लिए, केवल हमारे मनुष्य के लिए ही नहीं, गाय को देखिए या जितने स्तनपायी प्राणी हैं, गर्भ में रहने वाले बच्चे के लिए क्या करना है पहले से व्यवस्था है। अब सोचिए, बालक जब गर्भ में होता है कहां से सांस लेता है, कहां से खाता पीता है, कैसी व्यवस्था है। समुद्र के अंदर न जाने कितने प्राणी रहते हैं, वृक्षों पर, वनों में न जाने कितने प्राणी धरती में भी रहते हैं, हम उनकी उन योनियों की गणना नहीं कर सकते। 84 लाख योनियां तो केवल कहने के लिए है, वस्तुतः अनंत प्रकार की योनियां है, अनंत प्रकार के प्राणी है।
हमारे शरीर में ही करोड़ों जीव रहते हैं, हमें इसका आभास नहीं होता। आखिर बैक्टीरिया भी तो जीव ही है। कितने करोड़ बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर हैं हमें नहीं मालूम। सिस्ट रचना की विचित्रता का अनुभव करते हुए आप ये सोचिए कि एक आदि नारायण है जो इस अनंत सृष्टि में अनंत प्राणियों के भोजन की व्यवस्था कर रहा है। प्रेम का सागर आया है अक्षर की आत्मा को प्रेम की पहचान देने के लिए। राज में पहचान तो दे दी थी, किंतु प्रेम की मार्फत, इश्क की मार्फत अर्थात प्रेम का सर्वोच्च विज्ञान क्या है? अक्षरातीत का हृदय प्रेम का कैसे अनंत सागर है? प्रेम बसे पिया के चित्त, अक्षरातीत के हृदय में प्रेम किस प्रकार से क्रीड़ा करता है यह दर्शाने के लिए महामती जी के धाम हृदय से उन्होंने खिलवत की वाणी दी है, परिक्रमा की वाणी दी है, सागर और श्रृंगार की वाणी दी है, ताकि हमारी आत्मा प्रीतम के नख से सिख तक सुबह में डूब जाए और संसार को भुलाकर स्वयं को उनसे एक रूप कर ले। हम तारतम का तारतम पढ़ते हैं, चिंतन मनन में लाते हैं। तारतम का तारतम अर्थात खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, किंतु हमें ये आभास नहीं होता कि हक सिर पर इन विद खड़े राजी हमारे साथ पल पल हैं। सिर पर खड़े होने का तात्पर्य क्या है? हर पल हमारे साथ है। जब हम गहन निद्रा में होते हैं तब भी वो हमारे साथ होते हैं, सो रहे हों जग रहे हों। किंतु हमारी ये बदनसीबी है, दुर्भाग्य है हमारा कि हम उठते बैठते सुपन सुबह जागृत दमन छोड़े मासूक को जाके असल हक निस्वत। उठते बैठते सोते जागते हम प्रीतों को अपने हृदय में बसा नहीं पाते। यदि हम चितवनी के अतिरिक्त समय में भावलीनता में खोए रहे, जैसे कि गोपियां खोई रहती थी, चैतन्य महाप्रभु खोए रहते थे, रामकृष्ण परमहंस समाधि से जब उठते थे तो शेष समय भावलीनता में डूबे रहते थे, यदि उनके सामने कोई भाव भरा भजन गा देता था तो उस भजन के शब्दों को सुनकर ही विह्वल हो जाते थे, या तो नाचने लगते थे या पुनः समाधि में डूब जाया करते थे। किंतु वाणी पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र गुजर जाती है। माला फेरत जुग भया फिरा नमन का फेर, कबीर जी ने बहुत ऊंची बात कही है, माला फेरत जुग भया फिरा नमन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। लकड़ी की माला हमारे हाथ में घूमती रहती है, हम रासमा रासमा करते जाते हैं या निज नाम सिकट जी निज नाम श्री जी साहब जी का जप करते रहते हैं, गिनते रहते हैं, आज हमने 1000 पाठ कर लिया, 4 माला कर ली, 5 माला कर ली, 10 11 12 माला कर ली। शेष समय हमारा समय किस में जाता है? नकारात्मक चिंतनों में जाता है, ईर्ष्या द्वेष के विकारों में जाता है। हमने मन का फेर, मन की माला को संसार से हटाकर प्रीतम की तरफ नहीं मोड़ा, हमने अपना मन प्रीतम को सौंपा नहीं। यदि अपना मन सौंप दिए होते तो जनक की तरह हमारी भी समाधि लग जाती, हम भी उनकी शोभा में डूब गए होते। हक सिर पर इनबित खड़े देखत ना हक तरफ मेरी आत्मा, तो ये देख नहीं रही है कि प्रीतम हर पल तेरे साथ है। मैं वही बात कह रहा था, तारतम लिए हुए हमें 50 वर्ष बीत जाते हैं, 60 वर्ष बीत जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, किंतु वही हमारी प्रवृत्ति बनी रहती है जो नवता भक्ति करने वालों की है। जैसे वो मंदिरों में जाते हैं, नारियल प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, माला लेकर के बैठ जाते हैं, खाते पीते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, बस हम भी तो वही नहीं की देखा देखी कर रहे हैं। हमें हर पल ये एहसास क्यों नहीं होता कि प्रीतम हमारी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर अखंड रूप से लीला कर रहे हैं? हम किरंतन के इस प्रकरण को भूल जाते हैं, अर्स वायदत खिलवत खसम की, मेरी आत्मा तू परम धाम की वहदत एकत्व की स्वरूपा है, तू हक की खिलवत है, अक्षरातीत तेरे हृदय में, तेरे हृदय में ही तेरी आत्मा है, तेरे हृदय में तेरी आत्मा का प्रीतम से अखंड विलास होते रहना चाहिए। किंतु यदि आत्मा जीव भाव को प्राप्त हो जाती है, जीव भाव को प्राप्त होने का तात्पर्य
जीव के ही संबंधों को अपना संबंध समझना, अपनी पुत्री, अपने पुत्र, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने संगी संबंधियों को ही समझना कि ये हमारे मूल संबंधी है। शरीर को ही समझना कि ये मेरा रूप है, ये स्वरूप है, ये तन हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप तो परात्म का स्वरूप है। और हमारा मूल संबंध कहाँ है? परमधाम से। युगल स्वरूप हमारे अनाद प्रीतम है, हम उनकी प्रियतमा है, प्राणेश्वरी है, प्राणवल्लभा है। हमारे बिना वे नहीं और उनके बिना हम नहीं, हम अरस परस हैं हक के। दोनों में एक अद्वैत संबंध है, स्वलीला अद्वैत का। सच्चिदानंद परब्रह्म अक्षरातीत हमारे ही स्वरूप में विराजमान होकर स्वयं लीला कर रहे हैं, और वे इस मायावी जगत में भी एक पल के लिए न कभी दूर थे, न कभी हैं, न कभी होंगे। चाहे वो ब्रज का ब्रह्मांड हो, चाहे रस का ब्रह्मांड हो, चाहे इस जागनी का ब्रह्मांड हो, किंतु यह बोध नहीं हो पाता। श्री देवचंद जी जब 11 वर्ष के होते हैं, तभी से उनके मन में ये बात आ जाती है कि मैं कौन, कहाँ से आईया, कहाँ है मेरा अवतार। और बड़े होते हैं, मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, बारात के पीछे पीछे भी चल देते हैं, खोज कर रहे हैं किसकी, प्रीतम की। प्रीतम कहाँ बसा है? उनकी आत्मा के हृदय में बसता है, किंतु अभी जागनी का प्रथम चरण चल रहा है, परमधाम की वाणी आई नहीं। श्यामा जी की आत्मा पर फरामोशी है, कैसे वो जान सकती हैं कि मेरी आत्मा के हृदय में ही प्रीतम है? राजी, ऐसा नहीं कि परमधाम से आते हैं और पठान के भेष में दर्शन देकर पुनः परमधाम चले जाते हैं। चितवनी में अखंड ब्रज बिहारी के रूप में आते हैं, दर्शन देकर के पुनः चले जाते हैं। और आप कह सकते हैं कि श्याम जी के मंदिर में जब देवचंद जी की आयु 40 वर्ष की हो गई होती है, तो उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे धाम हृदय में बैठूंगा। आप कह सकते हैं यह अवश्य है कि उन्होंने लीला रूप में कहा कि श्यामा जी, मैं अब तुम्हारे धाम हृदय में अंदर तुम्हारे आकार के आय के बैठे, अब मैं तुम्हारे तन में तुम्हारी आत्मा के हृदय में विराजमान होकर परम धाम की आत्माओं को जगाऊंगा। इस लीला को पढ़कर आप समान रूप से कह सकते हैं कि राजी परम धाम से आते थे, पठान के रूप में आवेश रूप से दर्शन दिया, दूसरी बार चितवनी में दर्शन दिया, और तीसरी बार दर्शन देकर उनके धाम हृदय में नहीं बैठे, उनके धाम हृदय में बैठे, इसके पहले नहीं बैठे थे। मोटे तौर पर तो यही लगता है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आम का फल आप देखे होंगे, या मौसम भी आम का ही चल रहा है। अभी आम की बौरें फूट रही हैं, फल नहीं लगे, कुछ समय के बाद इसमें फल लगना शुरू हो जाएंगे। 1 महीने 2 महीने के बाद जुलाई में जून में आम पकने भी लगेंगे। परिणाम क्या होता है? आम के वृक्ष में कारण रूप से, सूक्ष्म रूप से आम का फल भी है, किंतु वो दिखाई नहीं दे रहा है। जब फल गिर जाएंगे, आम की डालियों पर फल नहीं लगे रहेंगे, तो क्या कहेंगे? इसमें फल नहीं है। किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि इसमें फल है ही नहीं। फल है, समय पर वो फल उगेगा, जब बौर आएगी, उसका मौसम आएगा, बौर भी आएगी और फल भी लगेंगे, फल पकेंगे भी। वैसे ही जब हमारी आत्मा परात्म की प्रतिबिंब स्वरूप है, और परात्म का स्वरूप राज्य का ही स्वरूप है, जब परात्म के रूम में उसका प्रीतम बसता है, तो कैसे कह सकते हैं कि आत्मा के धाम हृदय में 40 वर्ष की अवस्था से पहले राज्य थे ही नहीं? ये तो लीला रूप में श्यामा जी की आत्मा को दर्शाया जा रहा है कि श्यामा जी, अब तुम्हारे तन से मैं परम धाम की आत्माओं को जगाऊंगा। अन्यथा प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब वरात के पीछे पीछे जा रहे होते हैं 16 वर्ष की अवस्था में, तो 16 वर्ष तक राजी ने श्यामा जी को छोड़े रखा, और पठान के भेष में दर्शन देकर के फिर भाग जाते हैं 24 वर्षों के लिए। चितवनी में एक पलक भर के लिए दर्शन दिया
और 24 वर्ष की एक दूरी बना दी। कैसा है वो अक्षरातीत जो 24-24 साल के लिए 16-16 वर्षों के लिए अपनी प्रियतमा को अकेले संसार में भटकने के लिए छोड़ देता है। यदि सागर और उसकी लहरों में कभी अलगाव नहीं हो सकता, चंद्रमा और उसकी शीतलता में कभी अलगाव नहीं हो सकता, तो आत्मा परमात्मा के संबंध में अलगाव कहां से हो सकता है? यह अवश्य है कि उसको देखने की हमारी अंतर्दृष्टि नहीं होती है। हम तारतम वाणी का प्रकाश लेकर भी कहीं ना कहीं कले तक ही उस प्रकाश को रहने देते हैं, हृदय में नहीं आने देते। यदि हृदय में वो प्रकाश आ जाता, मस्तिष्क से उतर कर हमारे हृदय में आ जाता, अर्थात दिमाग से हटकर दिल में आ जाता, तो हमारी हृदय में जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा के धाम हृदय में हमें अपने प्राणेश्वर की पहचान हो जाती। और इसीलिए इस प्रकरण में बार बार सावचेत किया जा रहा है कि हक सिर पर इनवित खड़े देखत ना हक तरफ, मेरी आत्मा तेरा प्राण बल्लभ तो हर पल तेरे साथ है लेकिन तू देख नहीं पा रही है। यह सबकी कहानी है, मेरी भी आपकी भी सबकी, कि हर पल प्रीतम की अनुभूति हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी आंखें ये जीव की आंखें हैं। जीव की आंखें बाहर के संसार को देख रही है। उपनिषद ने कितनी ऊंची बात कही है, कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मानम आवृत चक्षु अमृत इच्छन। कोई धैर्यशाली व्यक्ति होता है जो अमृत तत्व की इच्छा करता हुआ अंदर देखता है। बाहर के संसार को तो हर प्राणी देखता है, पशु पक्षी भी बाहर के जगत को देखते हैं। किसी ने अपनी अंतरात्मा में देखने का प्रयास किया है? और यही बात राज जी कहना चाह रहे हैं। हम वितक का अध्ययन करें तो ये पाते हैं कि श्री महाराज जब हफ्से में जाते हैं तो राज जी का दीदार होता है, इसके पश्चात वो राज जी कहलाते हैं। यही आदि यही मेदी यही इमाम, वितक में भी इसी घटनाक्रम को देखते हुए इसके बाद हर जगह महाराज को राज करके वर्णित कहा गया है। किंतु एक प्रश्न है, 1712 में श्री देवचंद जी का धाम गमन होता है, 1715 में श्री राज जी हफ्से में इंद्रावती जी को दर्शन देते हैं। तो प्रश्न यह है कि 3 वर्ष तक युगल स्वरूप कहाँ रहे? क्या 3 वर्ष तक आराम करने के लिए युगल स्वरूप परमधाम चले गए और फिर 1715 की बाट देखते रहे कि 1715 आ जाएगा तो महाराज को हम दर्शन देंगे और फिर उनके हृदय से विराजमानों को लीला करेंगे? ऐसा नहीं। मैं रह न सको रूह भी निरूहे रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हो विवा को तब सहे न बिछुआ खिन। परमधाम की आत्माओं को अक्षरातीत की पहचान नहीं है, वे उनकी बाह्य लीला को ही देख रही है कि अब राज जी इस तन में इतने समय में विराजमानों को लीला करेंगे। यह तो सत्य है कि उस निश्चित समय में उस आत्मा को जब प्रीतम की अनुभूति होती है तो ये कहते हैं कि अब हमें राज्य मिल गए, हमारे दिल में राज्य अब लीला कर रहे हैं। आप यह कह सकते हैं कि यदि सबके हृदय में समान रूप से राज्य विद्यमान है तो सुंदर सात विकारों में क्यों फंसा हुआ है? प्रश्न यह है, विकारों में कौन फंसा हुआ है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार किसको ग्रसित करते हैं? जीव को, आत्मा को नहीं। और जीव भी अंतःकरण के माध्यम से ही उसका रस लेता है क्योंकि उसी में वो सुख मानता है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, हमारी जीव के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ा है, कारण शरीर जुड़ा है, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कार्य करेगा, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों के माध्यम से कार्य करेगा। जैसे हमारी ये जो आंख है, यह आंख सुंदर रूप को देखती है किंतु यह हमारी आंख नेत्र इंद्रिय पूर्ण नहीं है, यह तो नेत्र इंद्रिय का गोलक मात्र है। हमारी नासिका में जो सूंघने की शक्ति है, नासिका इंद्रिय सूक्ष्म है, वो आंखों से दिखाई नहीं देती क्योंकि सांख्य दर्शन कहा है
कि इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से हुई है। अहंकार तो आकाश से भी सूक्ष्म है। अहंकार से तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है और तन्मात्राओं से पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। ये आंखें जला दी जाएंगी, कान जला दिए जाएंगे, फिर भी हमारी नेत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, त्वक इंद्रिय, ये सब कुछ सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे जीव के साथ जुड़े रहते हैं। किन्हीं ने 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर माना है, किसी ने 19 तत्वों का। और इस पंच ज्ञानेन्द्रिय के साथ हमारा अंतःकरण भी हमारे से जुड़ा रहता है हर पल। जीव दृष्टा होकर के सब कुछ देख रहा होता है, व्याकुल कौन होता है? जीव की चेतनता से अंतःकरण में चेतनता होती है। जब मन को उसके विषय नहीं मिलते, जिसको मांस खाने का चस्का है, शराब पीने का चस्का है, जब वो विषय वस्तु नहीं मिलेगी तो मन तड़पेगा। किंतु यदि आत्मबोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, अंतःकरण नहीं, तो विषय सामने रहेंगे, उसके लिए मन व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि मन अब आत्म तत्व में विचरण करने लगा है। पहले बहिर्मुख ही होकर के बाह्य जगत में विचरण करता था। मेरे कहने का यही आशय है, आंखों ने संसार को देखा, दर्पण के माध्यम से अपने बाह्य रूप को देखा, मन संसार को देख रहा है, मन स्वयं को नहीं जान पाता। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सबसे, इंद्रियों से, शरीर से जब परे हो जाएंगे, तब जीव को अपने शुद्ध स्वरूप का बोध होता है। इसके पश्चात जीव अपनी अंतरात्मा में विद्यमान उस ब्रह्म के स्वाप्निक स्वरूप नारायण को जाने या अक्षर ब्रह्म को जाने, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसके हृदय में ज्ञान का कितना प्रकाश है, प्रेम की कितनी रसधारा है, तभी वो निराकार को पार करके ब्रह्म की अनुभूति कर पाता है। आप सोचिए, एक सामान्य प्राणी जो उठते बैठते सोते जागते विषयों का ही चिंतन करता है, बाह्य जगत को ही देखता है, वो सूक्ष्म इंद्रियों से परे, कारण शरीर से परे अपने जीव के स्वरूप को कैसे देख सकता है? परमधाम की आत्माएं वाणी की चौपाइयों को केवल पढ़ती भरे, किंतु जब उनकी नजर अपने शरीर पर जाती है तो शरीर भाव उनका समाप्त नहीं होता। वे अपने परात्म के श्रृंगार को नहीं समझ पाते। परात्म की भावना में भावित होना बहुत कठिन है। परात्म के स्वरूप में भावित होना तो दूर, सुंदर साथ में तो अभी इस संसार की विकृतियां कितनी विद्यमान है। अलग अलग प्रांतों के सुंदर साथ होते हैं, सबके अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्र का कोई गुरु होता है, अलग अलग क्षेत्र के कोई प्रमुख व्यक्ति होते हैं, गुजराती, पंजाबी, नेपाली, बिहारी, यूपी, अलग अलग सुंदर साथ के भी समूह हैं, और अलग अलग प्रांत में अलग अलग शहर के, गांव के, सबके अलग अलग वर्ग होते हैं। आप सोचिए, इससे परे कोई हड़ हो जाए तो अपने शरीर भाव को कैसे छोड़ सकता है? ये पांच तत्व का ये पुतला है, इसको सजाने संवारने में, खिलाने पिलाने में हमारी उम्र का कितना भाग व्यतीत हो जाता है। इसके परे होकर हम अपनी अंतर्दृष्टि से अपने परात्म के स्वरूप की भावना करें और उस परात्म के स्वरूप से हम युगल स्वरूप को निहारने का प्रयास करें, सब सुंदर साथ को देखने का प्रयास करें, तो हमें एक ही सत्य का अनुभव होगा कि आत्म सौनी एक दी से जुजवी तेदी से दे। सबके तन अलग अलग दिख रहे हैं, हमारी आत्मा में हमारा प्रीतम अनादिकाल से रहा है, अनंत काल तक रहेगा। यदि समुद्र अपनी लहरों का परित्याग नहीं कर सकता तो अक्षरातीत में भी यह समर्थ नहीं कि अपनी आत्माओं का परित्याग कर सके। परित्याग तो पराये का होता है, स्वयं से कोई कैसे अलग हो सकता है? हम सामान्य सी बात सोच लें, या तो कहिए कि परमधाम में सोलीला अद्वैत नहीं है। यदि सोलीला अद्वैत है तो स्वयं अक्षरातीत अपने ही अभिन्न स्वरूप आत्माओं को अपने से अलग कैसे कर सकते हैं? इसलिए ब्रज की लीला पूरी निद्रा की लीला हुई, जिसमें सखियां ये नहीं जानती हैं हम कौन हैं, और जिन कृष्ण के साथ हमारा प्रेम है वे कृष्ण कौन है,
रास में संबंध का पता चलता है कि हमारे प्रीतम है। संसार हमारे लिए स्वप्न के समान था, किंतु मूल घर का पता नहीं। अब पुनः देवचंद जी के तन से लीला प्रारंभ होती है। सुंदर साथ इतना जान जाते हैं कि हम परम धाम से आए हैं, सतगुरु महाराज के धाम हृदय में राजीव विराजमान होकर हमें ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं, और इसके पश्चात खेल खत्म होगा, हमारी आत्मा परम धाम जाएगी। इससे अधिक का ज्ञान नहीं था। ब्रजराज और धाम की सुधति पर जागने की सुधना है। छठे दिन की लीला प्रारंभ होती है। श्री महामती जी के स्वरूप से राज से लेकर क्यामत नमा तक की वाणी का अवतरण होता है। जैसे जैसे सूरज उगता है, दोपहर को जब आता है तो प्रचंड ताप से तपने लगता है। उसका प्रकाश इतना तेजस्वी हो जाता है कि उसको सहन करना भी कठिन हो जाता है, और उस तेजोमय प्रकाश के बीच में एक रेंगती हुई चींटी भी दिख जाती है। जब कभी घनघोर अंधेरा था तो दूर खड़ा व्यक्ति दिख नहीं रहा था। चंद्रमा की शीतल चांदनी में व्यक्ति तो दिख जा रहा था, लेकिन रेंगती हुई चींटी नहीं दिख पा रही थी। अब दोपहर के उजाले में तो ऐसा कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव नहीं होता जो आंखों से दिखाई ना दे, किंतु ऐसे भी होता है कि देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है। हम भी हक नजीक से हरक से को पढ़ते हैं, किंतु पढ़ करके कह देते हैं, उस पर चर्चा भी कर लेते हैं, गा बजा भी लेते हैं, किंतु उसको जीवन में उतार कर कृतार्थ नहीं कर पाते हम स्वयं को कि हक नजीक से हरक से अड़ो पटना द्वार का क्या अर्थ है। हम खूब जोश में भरकर अरस तुम्हारा मेरा दिल है इत आय करो आराम को गाते हैं, किंतु हमने कभी सोचा है कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है जब कहा जा रहा है तो श्री देवचंद जी के तन से जब लीला चल रही थी तो क्या उस समय अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है नहीं था, या श्री मिराज के तन से महामती जी के स्वरूप में जब लीला होती है अक्षरातीत उन्हें नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेक तुम्हारे दियो उस स्वरूप में लीला करते हैं तो क्या उस समय अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है नहीं चलेगा। क्या छठे दिन की लीला में ही केवल कहा जा रहा है क्या कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है इताई करो आराम। यह बात तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी, किंतु उसका अनुभव हमें अब हो रहा है इस जागनी लीला के माध्यम से। परमधाम में कभी वियोग होता ही नहीं। इस संसार की विचित्र स्थिति है, जब विरह में हृदय तड़पता है प्रीतमा को प्रीतम की याद आती है कि भले ही वो शरीर से दूर है किंतु वह मेरे हृदय में तो है। जैसे गोपियां श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं, उद्धव से कहती हैं कि जिस कृष्ण को पाने के लिए हम तल्लीन हैं वह कृष्ण हमसे दूर नहीं है। आप सोच रहे हैं उद्धव कि वो मथुरा में रह रहे हैं तो आपकी भ्रांति है, हमारा कृष्ण हर पल हमारे साथ है, यह सत्य है कि विरह की पीड़ा में ऐसा अनुभव होता है कि प्रीतम हर पल हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि विरह की अवस्था में संसार से ध्यान हट जाता है, शरीर से ध्यान हट जाता है, और उस समय आभास होने लगता है कि प्रीतम भले ही दिख नहीं रहा हो हमारे हृदय में ही है। प्रेम की अवस्था में वो प्रत्यक्ष हो जाता है। जागने के ब्रह्मांड में हम सुंदरता से एक बहुत बड़ी जो भूल हो रही है आज भी बार बार मंचों से, पहले तो इस समाज को कर्मकांड की बेड़ियों में जकड़ा गया कि तुम अपने घर स्वरूप साफ पधराओगे तो सेवा पूजा नहीं हो पाएगी तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। एक घर में एक बाणी पधराने पर विवाह का खर्चा आ जाता था, परिणाम स्वरूप कोई भी सुंदर साथ अर्थाभाव के कारण बाणी को अपने घर पधराने में झिझक का अनुभव करता था। परिणाम क्या हुआ, 300 वर्षों तक वाणी का प्रकाश मध्यम गति से फैलता रहा। धीरे धीरे समय ने अंगड़ाई ली, जागृति हुई सुंदर साथ में वाणी की टीकाएं प्रकाशित हुई, वाणी प्रकाशित होने लगी, घर घर वाणी पधराई जाने लगी। तो अब ये बात कह दी जाती है कि केवल वाणी का मंथन करो, मंथन अच्छी बात है, वाणी का चिंतन मनन को बोलचाल की भाषा में मंथन कहते हैं।
तो वाणी की जान का सार क्या है, जान का प्राण क्या है, प्रेमी तो है। ए सत वाणी मत के लू जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख सो में निर्णय करो निर्धार। वाणी के चिंतन मनन का सार है प्रेम। पूरी वाणी पढ़िए, अंत में सागर सिंगार में जाकर क्या करना होगा, परिक्रमा में जाकर क्या करना होगा, युगल स्वरूप और 25 पक्षों की शोभा में ही तो स्वयं को डुबाना होगा। ज्ञान का लक्ष्य क्या है, प्रीतम को दर्शाना। और प्रीतम को हम पाने के लिए प्रेम के तरफ कदम ही नहीं बढ़ाएं तो हमारा जीवन तो अधूरा रह जाएगा। हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। देखत ना हक तरफ मेरी आत्मा, अपने तो प्राण वल्लभ की तरफ देख नहीं रही है। तेरा प्रीतम पल पल तुम्हारे साथ है। अभी जो मैं बात कर रहा था, खिलवत की जब वाणी उतरी, उस समय जब पद्मावती पुरी धाम में स्वयं अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर रहे थे, किंतु लीला करने वाला वह स्वरूप तो परम धाम में भी है, ब्रजराज में भी हमारे साथ रहा है, जागनी के ब्रह्मांड में भी दोनों तनों में लीला करता रहा। किंतु हमें यह न समझना चाहिए कि जब देवचंद जी के अंदर राज लीला कर रहे थे तो हमारे अंदर नहीं थे, या श्री मिहराज के तन में जब लीला कर रहे थे तो हमारे अंदर नहीं थे, थे। हमारी आत्मा इतनी माया में विशुद्ध थी कि स्वयं को नहीं जान पा रही है कि हमारे अंदर भी राज्य है। इसका विकृत रूप भी सामने आ रहा है। जिस किसी व्यक्ति को, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला, वाणी की थोड़ी सी पहचान हो जाती है, थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, कुछ राज्य का अनुभव आ जाता है, तो वह स्वयं को राज्य या श्यामाजी के रूप में प्रस्तुत कर देता है। सुंदर सत, ये बहुत बड़ा अपराध है। इन जिमी में सात जी जिनों करी सिरदारी, सो पुकार पुकार पछताए चले कहियो जीत के बाजी हारी। ये तो हमारे प्रेम में हार हो जाएगी। प्रेम कहता है स्वयं को मिटा दो। प्राणेश्वर के प्रेम में यदि हम वाणी की कुछ अनुभूति करने के पश्चात, वाणी का कुछ ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात और प्रीतम के प्रेम की कुछ अनुभूति करने के बाद, स्वरूप की कुछ अनुभूति करने के पश्चात, संसार में सम्मान पाने की कामना से सुंदर साथ को यह कह करके प्रस्तुत करते हैं कि हम राजी हैं या श्यामा जी हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम झूठी प्रसिद्धि के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपने प्रेम को विकृत कर देते हैं, प्रेम को बेच दे रहे हैं, प्रेम का सौदा हम कर रहे हैं, हमने प्रेम खो दिया। हमें यह मानना चाहिए कि जिनसे हम प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, जिनसे हम अपनी पूजा कराना चाहते हैं, वो भी तो उन्हीं के स्वरूप हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिन सुंदर साथ को हम तो साधारण समझते हैं, उनसे अपनी सेवा करवा करके खुश होते हैं, चरणों में जब वो शीश झुकाता है तो हम बहुत आनंदित होते हैं कि मुझे शीश झुका रहा है। हमने कभी सोचा है कि इनकी आत्मा के अंदर भी तो हमारा वही प्राणेश्वर है जिसने हमें कुछ अपनी झलक दिखाई थी। जिस दिन हम सबके हृदय में विद्यमान युगल स्वरूप को जानने लगेंगे तो हम स्वयं भी कभी भी राज्जी या श्यामाजी कहलाने का दम नहीं भरेंगे। मूल स्वरूप ने लीला रूप में केवल महामती जी को शोभा दी है अक्षरातीत कहलाने का। तभी तो कहा है, कोई दूजा मर्द नकावी एक मेहती पाक पुरन, खेलसी रास मिल जागनी 36,000 संयन। जैसे ब्रज में रास में 36,000 आत्माओं के साथ 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वरी सृष्टि के साथ लीला हुई, इस जागनी ब्रह्मांड में भी पांचवें दिन की लीला हो चाहे छठे दिन की लीला हो, समय में केवल महामती जी को ही राज्य कहलाने की शोभा दी गई है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं। और इस स्वरूप के अतिरिक्त यदि कोई स्वयं को राज्य के रूप में घोषित करेगा तो वो हंसी का पात्र बनेगा। यह सत्य है कि जैसे इंद्रावती जी की आत्मा वैसे ही आपकी भी आत्मा है। और जैसे इंद्रावती जी ने यह बोध किया कि हमारे दिल में राज्य हैं, आपको भी यह कहने का अधिकार है कि हमारे दिल में राज्य हैं, लेकिन तो हम राज्य साक्षात नहीं है क्योंकि हमको राज्य की लीला करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हम राज्य के अंग हैं, राज्य के स्वरूप हैं। राज्य का अंग अंगी होना, राज्य का स्वरूप होना
अलग बात है। मार्फत की अवस्था में हम राज्य के स्वरूप हैं, किंतु जब लौकिक दृश्य देखा जाए तो संसार में हमें यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि हम राज्य के स्वरूप हैं। परम धाम में हम राज्य के स्वरूप हैं। जब चितवनी में हम होते हैं, हमारी आत्मा परात्म का श्रृंगार सजकर राज्य के सम्मुख विद्यमान होती है, उस समय हम राज्य के स्वरूप हैं। किंतु जब हम चितवनी से हटते हैं, उस अनुभव के दृश्य जब हट जाते हैं समाधि अवस्था से, ध्यान से, तो हम सबसे कहते फिरें कि हम राज्य के स्वरूप हैं, तुम मेरी सेवा करो। तो हम जिनसे सेवा करा रहे हैं, जिन पर अपना आदेश चला रहे हैं, क्या वे राज्य के स्वरूप नहीं है? क्या उनके अंदर परमधाम की आत्मा नहीं है? जब परमधाम की आत्मा होने से आप अपने को राज्य का स्वरूप कह सकते हैं, तो दूसरे सुंदर साथ को भी उन्हीं का स्वरूप होने का अधिकार है। कभी आप भी तो तारतम ज्ञान से रहित होने के बाद साधारण जीवों की तरह भटक रहे थे। आप भी पेड़ पौधों को, शालिग्राम और शिवलिंग को सिर झुकाया करते थे। अब आप सबसे परे अक्षरातीत होने का दम भरते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रीतम के प्रेम को आपने पहचानना बंद कर दिया है और स्वयं की पहचान देने में लग गए हैं। इंद्रावती जी की आत्मा हम सुंदर साथ को सावचेत करना चाहती है कि हमें राज्य के प्रेम में डूबना है, हर पल आभास करना है मेरा प्रीतम मेरे साथ है। हमारे परात्म के तन राज्य के साथ प्रेम का रस लेते हैं। जागनी ब्रह्मांड में भी हमें ये पहचान करनी है कि हम राज्य के स्वरूप हैं और राज्य से प्रेम करते हैं। राज्य के लिए हमारा सब कुछ है। हम राज्य का स्वरूप होते हुए भी राज्य बनकर दूसरों पर अपना अधिकार जताएं, उनसे सेवा करें और अपने को श्रेष्ठ माने, उनको अपने से हे माने, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दाग लगता है, हमारा प्रेम कलंकित होता है। और कोई भी जागृत आत्मा जो धनी के चरणों में सौंप चुकी है, मैं समझता हूँ इस तरह की भूल करने का कभी साहस नहीं करेगी। दुर्भाग्य है उनका जो किसी स्थान विशेष पर एक बड़ी और एक दर्जी की कृपा से बने हुए गादी पर बैठने मात्र से अपने को स्वयं को अक्षरातीत मान लेते हैं। यह सबसे बड़ी भ्रांति है। ये भूल तो बिहारी जी ने की थी कि सदगुरु धनी सत्यवचन जी की गादी पर बैठकर स्वयं को उन्होंने कह दिया कि मैं अक्षरातीत हूं। किसी भी स्थान पर बैठकर कोई भी व्यक्ति अक्षरातीत नहीं कहला सकता। जागनी लीला में हमें केवल यह देखना है कि हमने जगत से कितना अपना संबंध तोड़ा है, अपनी अंतर्दृष्टि, अपने प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में कितनी अनुभूति की है। और जब हम उस अनुभूति के धरातल पर अपने को देखते हैं, तो हम मान सकते हैं कि हम राज्य के स्वरूप हैं और राज्य के अंग संग हैं। पल पल वे हमारे साथ हैं, हर पल रहेंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब, प्रीतम मेरे अंदर, मैं प्रीतम के अंदर, हम दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। प्रीतम अनादिकाल से मेरा है, अनंत काल तक रहेगा, कभी वियोग हुआ ही नहीं। यह वियोग तो हमें दिखाने के लिए, माया को दिखाने के लिए ये किया गया है। माया की लीला को देखने देखते हम इतने डूब गए हैं कि लग रहा है कि धनी से हमारा वियोग हुआ है। वस्तुतः वियोग कभी न हुआ न कभी होगा। वियोग का अनुभव हमको कराया जा रहा है ताकि इस वियोग के माध्यम से हमें माया की लीला देखने को मिल जाए। जो स्वाद लगे महबूब का, अब तक मैंने जो कुछ कहा वो प्रीतम का स्वाद है। प्रीतम का स्वाद क्या है? जो परम धाम में जिस आनंद की अनुभूति हम करते रहे हैं, वही आनंद की अनुभूति यहां होने लगे। यह है राज्य का स्वाद, रसा स्वादन। किंतु यह कब प्राप्त होगा? इसका एक ही आधार है, केवल प्रेममयी चितवनी, शुष्क ज्ञान की चितवनी नहीं, जिसमें थंबों और गलियों को गिना जाए। हमारी आत्मा प्रीतम के प्रेम में डूबकर नख से सिख तक राज्य के अंग अंग की शोभा में स्वयं को डुबो दे, उस प्रेमी दृश्य से अपने प्राण बल्लभ को निहारे, उस सौंदर्य में, उस प्रेम में और उस आनंद में अपने को डुबो दे, तो परिणाम क्या होगा? प्रीतम के रोम रोम में जो कुछ है,
वह सब कुछ हमारी आत्मा को प्राप्त होता जाएगा और हमारी आत्मा संसार की तरफ कभी देखने की इच्छा ही नहीं करेगी। इसको कहते हैं जो स्वाद लगे महबूब का तो मुख ना निकसे एक हरफ। आजकल एक बहुत बड़ा रोग चल गया है मंच पर माइक में बोलने का। यदि किसी को 10 मिनट 15 मिनट का समय दे दिया जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है कि 10-15 मिनट में तो मेरी भूमिका होती है, मैं क्या प्रवचन दूंगा। यदि किसी को 2 घंटे का कह दिया जाए कि लगातार बोलिए, वो सुंदर साथ इधर उधर की कहानियां सुनाकर बहुत खुश होता है कि आज मुझे 2 घंटा बोलने को मिलेगा। उस भोले वाले सुंदर साथ बेचारे को ये पता नहीं होता कि ज्ञान के प्रचार का उद्देश्य संसार का कल्याण करना होता है, अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना नहीं। संसार में एक से एक बुद्धिमान है, हमारी ज्ञान की शोभा इसी में है कि हम ज्ञान को संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करें, अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं। यदि हमें 2 मिनट के लिए कहा जाए तो 2 मिनट में भी हम कुछ न कुछ कह सकते हैं। जब विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था विवेकानंद जी को केवल 5 मिनट का समय दिया था और उनके एक वाक्य ने जो पहले बोला माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, इस एक वाक्य के बोलते ही सारे अमेरिकन समझ गए थे कि यह व्यक्ति महान है। पूरी सभा 10,000 व्यक्ति बैठे हुए सुन रहे थे, 10,000 व्यक्ति खड़े हो गए और तालियां ऐसी बजी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर दिया गया, पुनः जनता दबाव देती रही कि पुनः दिया जाए और विवेकानंद ने कितना देर बोला, सबको मालूम है। हम थोड़ा समय मिलने के बाद रोष प्रकट करते हैं क्योंकि हमें अपने पंडित को दिखाने का अवसर नहीं मिला। सच बात तो यह है, सत्य को थोड़े शब्दों में भी कहा जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होता है। यदि हमें प्रीतम के प्रेम का रस स्वादन मिल गया है तो हम थोड़े शब्दों में भी कुछ कहेंगे तो सुनने वालों को आनंद ही आनंद मिलेगा और जब हम की अनंत महिमा को देखेंगे कि प्रीतम हर पल हमारे ऊपर अनंत प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, अनंत ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, अनंत कृपा की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उन्हीं के अंगरूप हैं, वे हमारे प्राणेश्वर हैं और हम आत्माएं उनकी प्राणेश्वरी, वे हमारे प्राणवल्लभ हैं तो हम उनकी प्राणवल्लभा हैं, दोनों एक के बिना नहीं रह सकते, हम दोनों एक ही स्वरूप हैं। और इस लक्ष्य को यदि पाने के लिए हम प्रेममय चितवनी का मार्ग अपनाते हैं, सभी द्वंद्वों से परे होकर अपनी अखंड लीला रस में डूब जाते हैं तो शायद हम मुख से कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे, दूसरों को कह सुनाकर हम उनका सम्मान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस संसार में अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों का टिटोरा पीट कर कुछ लोगों को यदि हम प्रभावित कर लेते हैं तो निश्चित ही है कि उनसे सेवा कराकर उनके बीच में बड़ा कहलाकर हमारे जीव में ही अहम भाव होता है, हम तो प्रेम के बंधनों को कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं और उस प्रेम रस से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि जीव में किसी भी क्षण आया हुआ अभिमान पतन का कारण बन सकता है। देने वाला वो है और उसने आपको प्रेम दिया, आपको ज्ञान का प्रकाश दिया, अपनी छवि को आपकी आत्मा के सामने दृष्टिगत किया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अक्षरातीत की उस कृपा को भुलाकर हम संसार की प्रतिष्ठा को ही सर्वोपरि मानने लगे और अक्षरातीत से अपनी दृष्टि फिरा लें, या तो जीती हुई बाजी हारने के समान हो जाएगा। हमारा यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम संसार की प्रतिष्ठा को ठोकर मारें, जिसके लिए कहा है मार प्रतिष्ठा पैजारो दो दगा दे पीछे ध्यान। हम अपने प्रेम को बेचे नहीं,
हम अपने प्रेम, अपनी अनुभूतियों को अपने हृदय में संजोए रहें, क्योंकि हमारे प्राणेश्वर का प्रेम है, प्राणेश्वर की अनुभूति है, उससे बड़ी कीमती कोई भी वस्तु नहीं होती है। महामती जी की आत्मा इस प्रकरण में हमारे लिए विशेष शिक्षापन दे रही है और इस प्रकरण की एक एक चौपाई हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि हमने उसको जीवन में उतार लिया, कुछ अंश भी उतार लिया, तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा।